नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को जनवरी 2024 से अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। मोदी सरकार अगले 5 साल तक सार्वजनिक वितरण योजना के तहत पात्र लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराती रहेगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलोग्राम मुफ्त राशन पीडीएस के जरिए दिया जाता है। अंत्योदय के तहत प्रति परिवार 35 किलो राशन मुहैया मुफ्त में किया जाता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY कोविड 19 महामारी के बाद गरीबों और जरूरतमंदों को राहत देने के लिए अप्रैल 2020 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लागू होने के बाद लगातार कई चरणों में बढ़ाई गई थी। दिसंबर में ये योजना खत्म हो रही है। अब इसे 5 साल के लिए बढ़ाने से देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को बड़ी राहत मिली है। खेतीबाड़ी में ड्रोन के बड़े स्तर पर उपयोग की दिशा में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहम फैसला लिया है। मोदी सरकार ने देश भर में 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने की योजना को मंजूरी दी गई है। ड्रोन उपलब्ध कराने की योजना पर करीब 1261 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इस योजना के जरिए ड्रोन सखियों को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अन्य अहम फैसले में 24,000 करोड़ रुपए की पीएम जनजाति न्याय महाअभियान को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के मामले में जल्दी न्याय से जुड़ा एक और अहम फैसला भी लिया है। मंत्रिमंडल ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की योजना के विस्तार को मंजूरी दी। कैबिनेट ने 16वें वित्त आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी है। सरकार द्वारा 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकार किए जाने के क्रम में 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली 5 वर्षों की अवधि के लिए होगी। तेलंगाना विधानसभा की 119 सीटों के लिए मतदान सुबह गुरुवार को 7 बजे से शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। तेलंगाना में 119 सीटों में अनुसूचित जाति के लिए 19 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 12 सीटें आरक्षित हैं। प्रदेश के 3,26,00,000 से ज्यादा मतदाता 2,290 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे। तेलंगाना में मतदाताओं में 1,63,13,000 से ज्यादा पुरुष, 1,63,02,000 से ज्यादा महिला और 2,676 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। पहली बार मतदान करने वाले युवा मतदाताओं की संख्या भी करीब 10 लाख है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए 35,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें लगभग 12,000 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। चुनाव में 2.5 लाख से अधिक कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी पर लगाया गया है। निर्वाचन प्रक्रिया में महिलाओं की रचनात्मक भागीदारी बढ़ाने के लिए महिला कर्मियों द्वारा संचालित 598 मतदान केंद्र, दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा संचालित 19 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए तेलंगाना विशेष पुलिस की 50 कंपनियां और केंद्रीय बलों की 375 कंपनियों को तैनात किया गया है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए राज्य में धारा 144 भी लगाई गई है। तेलंगाना में मुख्य मुकाबला बीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है, लेकिन AIMIM, CPI, CPM और BSP के अलावा अनेक निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। उत्तराखंड के सिलकियारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित निकाले जाने के बाद उन्हें भारतीय वायुसेना का परिवहन विमान चिनूक से ऋषिकेश एम्स ले जाया गया, जहां सभी श्रमिकों की स्वास्थ्य की जाँच की गई। ऋषिकेश एम्स के महत्वपूर्ण 4 विभागों के चिकित्सकों का दल श्रमिकों की जांच की। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि प्राथमिक जांच में सभी श्रमिक शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुरंग से सुरक्षित निकाले गए 41 श्रमिकों से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मुलाकात की। उन्होंने सभी श्रमिकों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि के चेक भी प्रदान किए। कोयले की खुदाई करने में पारंपरिक रूप से दक्ष लोगों ने हाथों की से खुदाई करके श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई है। राज्य सरकार ने सभी कर्मचारियों को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी देने की घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में प्रतिवाद सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि
अमित शाह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कोलकाता में रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बंगाल में आज भी घुसपैठ, तुष्टिकरण, राजनीतिक हिंसा, भ्रष्टाचार हो रहा है। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में सबसे ज्यादा चुनावी हिंसा होती है। अमित शाह ने कहा कि मोदी जी ने पूरे देश से आतंकवाद को समाप्त किया है। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि ममता ने बंगाल को बर्बाद किया है, राज्य की जनता टीएमसी को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर 2026 में यहां बीजेपी की सरकार बनानी है तो इसकी नींव 2024 के लोकसभा चुनाव में डालकर मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने पुरजोर शब्दों में कहा कि केंद्र सरकार संशोधित नागरिकता कानून लागू करेगी और उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही हैं, लेकिन कोई भी इसे लागू होने से नहीं रोक सकता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित डीआरडीओ क्वालिटी कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि अच्छी गुणवत्ता वाले सामान बनाने के लिए बेहतर उपकरण और अच्छे कौशल की जरूरत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति महाराष्ट्र के लोनावला में स्कूली शिक्षा प्रणाली में योग का एकीकरण विचार को व्यक्त करना थीम पर आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन उन्होंने किया, जिसे कैवल्य धाम द्वारा अपने शताब्दी वर्ष समारोह के अंतर्गत आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग की बढ़ती लोकप्रियता का भी विशेष रूप से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि योग पूरे विश्व समुदाय के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मेले के जरिए नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नवनियुक्त युवाओं को संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेला देश भर में 37 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। नियुक्ति पत्र पाने वालों को विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और विभागों में नियुक्त किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने इसराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत का पक्ष स्पष्ट किया। उन्होंने फिलिस्तीन के लोगों को मानवीय सहायता देने की भी बात कही। रुचिरा कंबोज ने कहा कि इस मुद्दे का हल बातचीत से होना चाहिए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के उन सभी प्रयासों का स्वागत करने की बात कही जिनसे इसराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव को कम किया जा सकता है। एक ऐतिहासिक घटनाक्रम में भारत सरकार और मणिपुर सरकार ने घाटी स्थित मणिपुर के सबसे पुराने हथियारबंद समूह यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के साथ शांति समझौते पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने यूएनएलआई के साथ शांति समझौते का स्वागत किया है और उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रयासों की सराहना की। दिल्ली नगर निगम के सदन के अंदर भाजपा पार्षद प्ले कार्ड लेकर स्थायी समिति या वार्ड समिति के गठन की मांग कर रहे हैं। भाजपा पार्षदों ने ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़े हुए हाउस टैक्स वापस लेने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए का सालाना स्वास्थ्य बीमा सरकार उपलब्ध करवा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बहुत सारे ऐसे वायरस होते हैं जिसमें प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, इसके लिए हर जनपद में ब्लड सेपरेटर यूनिट दी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने लखनऊ में कहा कि विपक्ष पूरी तरह से डीरेल है, उन्हें पूरे संसदीय इतिहास की कोई जानकारी नहीं है, उन्हें विधायी सिस्टम की ही जानकारी नहीं है। दिल्ली वायु प्रदूषण की स्थिति पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के बाद प्रदूषण के स्तर में धीरे धीरे बढ़ोतरी देखी जा रही थी। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगर हवा की गति धीमी पड़ती है तो आगे भी AQI के स्तर में उतार चढ़ाव हो सकता है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में पर्यावरण विभाग ने ग्रैप 1 और 2 के तहत उपायों को लागू करने का आदेश जारी किया है। 13 हॉटस्पॉट्स पर वर्तमान में सावधानियां जारी रहेंगी और निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण उपायों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना है। हैदराबाद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। तेलंगाना BRS नेता KT रामाराव ने हैदराबाद में आयोजित रक्तदान शिविर के दौरान रक्तदान किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल के कोझिकोड स्वर्गीय पी सेठी हाजी के भाषणों वाली पुस्तक के लॉन्च कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे लिए यहां आना और पुस्तक का विमोचन करना सम्मान की बात है।
केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में श्री भाग्यलक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना की। जी किशन रेड्डी ने उत्तराखंड में 41 मजदूरों के टनल से सुरक्षित निकलने पर माता का धन्यवाद किया। कोलकाता में टीएमसी ने 100 दिन के फंड के मुद्दे के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में विधानसभा परिसर में बीआर अंबेडकर प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई, जिसमें आम जनजीवन पर असर पड़ा है। भारी बारिश से कई जगहों पर यातायात प्रभावित हुआ है। आगरा दिल्ली हाईवे पर मथुरा क्षेत्र में एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 अन्य लोग घायल हो गए। हादसे में पीड़ित सभी लोग हरियाणा पर्वत के रहने वाले हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कर्नाटक के मंगलुरु में पिछले साल हुए प्रेशर कुकर विस्फोट में इस मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। इस्लामिक स्टेट द्वारा प्रायोजित इस आईईडी धमाके के जरिए मंगलुरु के मंजूनाथ मंदिर में दहशत फैलाने की योजना थी। प्रेशर कुकर विस्फोट मामले में 2 आरोपियों मोहम्मद शरीक और सैयद शरीक को बीते जुलाई में गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों पर पिछले साल नवंबर में आईपीसी की धारा 120B और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 3, 4 और 5 के तहत केस दर्ज किया गया था। मुंबई के चैंबूर इलाके में सिलेंडर विस्फोट की घटना में 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। करीब 11 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। लखनऊ उत्तर प्रदेश विधानसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने खेती उपकरणों पर जीएसटी घटाने की मांग की, जिससे किसानों को सहूलियत हो सके। दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज में आयोजित भारत साहित्य उत्सव में तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन ने यत्र नारेस्तु पूजेंते विषय पर अपनी बात रखी। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमें अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लेना चाहिए, फिर कोई भी महिलाओं को नीचा नहीं दिखा सकेगा। तेलंगाना की राज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई भारत साहित्य उत्सव को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे देश में महिलाएं किसी भी स्थिति में पुरुषों से कमतर नहीं है, महिलाओं के ये विश्वास खुद पर रखना होगा। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार के सेवा विस्तार को हरी झंडी दे दी है। केंद्र सरकार की ओर से 6 महीने का सेवा विस्तार दिए जाने के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार किया है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गुजरात खनिज विकास निगम ने बताया है कि वो ओडिशा में 2 कोयला खदान स्थापित करने की संभावनाएं तलाश रही है। जीएमडीसी की देश में 5 लिग्नाइट खदान है। अरबिंदो फार्मा को HIV-1 संक्रमण के इलाज के एक जेनरिक दवा के विपणन के लिए अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से मंजूरी मिल गई है। कंपनी के मुताबिक उसे 600 मिलीग्राम और 800 मिलीग्राम का डारुनावेर टैबलेट के निर्माण व विपणन के लिए मंजूरी मिली है। अडानी पावर लिमिटेड ने बताया है कि गुजरात के मुद्रा स्थित संयंत्र में बॉयलर चलाने के लिए कोयले के साथ हरित अमोनिया का उपयोग करेगी, इससे कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी। देश के बिजली उत्पादन में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। बीते अप्रैल से अक्टूबर के बीच पिछले वर्ष के मुकाबले बिजली उत्पादन में 8% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। बीते अप्रैल में से अक्टूबर के बीच मानसून में देरी और बढ़ी गर्मी के चलते कोयले से होने वाले बिजली उत्पादन में भी बड़ी बढ़ोतरी हुई है, और इस दौरान पिछले वर्ष के मुकाबले कोयला आधारित बिजली उत्पादन में 11% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीते अक्टूबर महीने तक घरेलू कोयला आधारित बिजली उत्पादन 686 बिलियन यूनिट को पार कर गया, जो पिछले वर्ष इसी दौरान करीब 630 बिलियन यूनिट था। बीते अक्टूबर में ब्लेंडिंग के लिए कोयले के आयात में 46% से ज्यादा की कमी दर्ज की गई है, और इस दौरान ये पिछले वर्ष के 25 मीट्रिक टन से कम होकर 14 मीट्रिक टन पर आ गया। बीएसई के सेंसेक्स में आज 727 अंक की बढ़त देखने को मिली है। सेंसेक्स 66,901 अंक के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी आज बिकवाली के मामूली झटकों के बीच लगातार ऊपर चढ़ता रहा। दिन भर के कारोबार के बाद निफ्टी करीब 206 अंकों की मजबूती के साथ 20,096 अंक के स्तर पर बंद हुआ। रुपए ने आज लगातार दूसरे दिन अपनी रफ्तार जारी रखी। रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 2 पैसे की बढ़त के साथ 83.32 के स्तर पर बंद हुआ। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक सोने की कीमत 750 रुपए बढ़कर 63,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड पर पहुंच गई है।
पिछले कारोबारी सत्र के अंत में सोने की कीमत 62,750 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रही थी। इसराइल हमार संघर्ष में अस्थायी युद्ध विराम के छठे और अंतिम दिन कई देश युद्ध विराम को और बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। इसराइल ने संघर्ष विराम को आगे बढ़ाने के हर गंभीर प्रस्ताव पर विचार करने की बात कही है। इसराइल सरकार ने प्रवक्ता एलोन लेवी ने कहा है कि इसके लिए शेष बंधकों को रिहा करने के लिए मेज पर गंभीर प्रस्ताव होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमास के कब्जे में अभी 161 लोग मौजूद हैं और इसराइल सरकार हर एक बंधक को छुड़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। ब्रिटेन और ग्रीस के बीच विवाद का कारण बनी 2500 साल पुरानी पार्थेनन मूर्तियां। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ग्रीस के प्रधानमंत्री के साथ होने वाली अपनी बैठक को ही रख किया रद्द। ब्रिटेन के संग्रहालय में रखी हुई 2500 साल पुरानी ये मूर्तियां ग्रीस के प्रधानमंत्री ने इसे बताया दुर्भाग्यपूर्ण। हालांकि उन्होंने कहा कि इस घटना से दोनों देशों के संबंध नहीं होंगे खराब। नाटो देशों के विदेश मंत्रियों के ब्रसेल्स में आयोजित दो दिवसीय बैठक संपन्न हो गई है और बैठक में यूक्रेन रूस संघर्ष समेत स्वीडन की सदस्यता जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़े रहने का संकल्प दोहराते हुए रूस को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि किसी भी देश को सीमाएं फिर से तय करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नाटो प्रमुख जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि ठंड के शुरू होने से पहले रूस ने मिसाइलों का भंडारण इकट्ठा कर लिया है और उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन के पावर ग्रिड और ऊर्जा अवसंरचना पर नए हमले की योजना बना रहा है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान ने फैसला किया है कि वो पार्टी के चुनाव में भाग नहीं लेंगे और उन्होंने अपने वकील बैरिस्टर गौहर अली खां को पीटीआई का कार्यवाहक अध्यक्ष नामित किया है। पीटीआई के सांसद बैरिस्टर अली जाफर ने ऐलान कर दिया है कि ये जानकारी उन्होंने ऐलान करके दी। साल्वाडोर के राष्ट्रपति इनायब बुकेले ने बताया है कि औपचारिक रूप से संसद से अगले कुछ दिनों में अनुपस्थिति की छुट्टी की मंजूरी देने के लिए कहेंगे। वो ऐसा अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की अनुमति लेने के लिए कर रहे हैं। साल्वाडोर के चुनावी न्यायाधिकरण ने इस महीने की शुरुआत में बुकेले की उम्मीदवारी को मंजूरी दी थी। बुकेले ने कहा है कि वो अभियान के लिए खुद को समर्पित करने के लिए अनुपस्थिति की छुट्टी का अनुरोध कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने पेरिस में 3 दिवसीय वार्ता के पहले दिन आज मुलाकात की है। थॉमस बाक की अध्यक्षता वाला बोर्ड आगामी पेरिस 2024 संस्करण के लिए आयोजन समितियों की प्रगति की समीक्षा करेगा। अमेरिकी सेना का एक विमान जापान में याकुशिमा आइलैंड के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान पर 8 अमेरिकी सैनिक सवार बताए जा रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि उसकी सेना ने डोनेट्स्क क्षेत्र के एक गांव पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन ने इस घटना पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। यूक्रेन के खेरसॉन क्षेत्र के गवर्नर ने बताया कि पिछले दिनों रूस ने 128 हमले किए। गवर्नर के मुताबिक इनमें मोर्टार, तोप, ग्रेनेड्स, टैंक, यूएवी और अन्य तरीकों से 778 गोले दागे गए। बीसीसीआई ने टीम इंडिया के मुख्य कोच के रूप में राहुल द्रविड़ को एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है। दरअसल बीसीसीआई ने राहुल द्रविड़ के कार्यकाल को बढ़ाने की घोषणा कर दी है। बीसीसीआई ने राहुल द्रविड़ के साथ साथ कोचिंग स्टाफ में भी कोई बदलाव नहीं किया है। मुख्य कोच द्रविड़ के साथ विक्रम राठौर, बल्लेबाजी कोच पारस महामरे गेंदबाजी और टी दिलीप फील्डिंग कोच के पद पर बने रहेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैच की T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट से अपने नाम कर लिया। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 223 रनों की जरूरत थी जिसे टीम ने 5 विकेट खोकर 225 रन बनाकर हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया की जीत में ग्लेन मैक्सवेल ने अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने 47 गेंदों पर शतक लगाया। मैक्सवेल 104 रन बनाकर नाबाद रहे। पंजाब हॉकी टीम ने सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। रोमांचक मुकाबले को पंजाब की टीम ने हरियाणा को पेनल्टी शूटआउट में 9-8 के अंतर से हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। वहीं तमिलनाडु ने तीसरे स्थान के मैच में कर्नाटक को पेनल्टी शूटआउट में 5-3 से हराकर कांस्य पदक जीत लिया। यूएफए चैंपियंस लीग में बार्सिलोना का दमखम बरकरार है। टीम ने मंगलवार को एफसी पोर्टो के खिलाफ खेले गए मुकाबले को 2-1 से अपने नाम कर प्रतियोगिता के अंतिम 16 में प्रवेश किया। बार्सिलोना की ओर से कैंसिलो और
जोआओ फेलिक्स ने गोल किए। कैंसिलो ने खेल के 32वें जबकि फेलिक्स ने 57वें मिनट में गोल दागा। वहीं मैनचेस्टर सिटी की टीम भी अपना मुकाबला जीतने में सफल रही। टीम ने आरबी लेप्ज़िग की टीम को 3-2 से शिकस्त दी। मैन सिटी की ओर से हालांद ने 54वें मिनट में गोल किया। हालांद का ये चैंपियंस लीग में 40वां गोल भी रहा। हालांद के अलावा फोडेन ने 70वें और अल्वारेज ने 87वें मिनट में गोल किए। उधर बोरुशिया डॉर्टमंड की टीम ने भी अंतिम 16 में जगह बना ली। डॉर्टमंड ने एसी मिलान की टीम को 3-1 से हार का स्वाद चखाया। एटलेटिको मैड्रिड की टीम भी अंतिम 16 में पहुंच गई है। एटलेटिको की टीम ने फेनार्ड को की टीम को 3-1 से हराया। यूएफा चैंपियंस लीग में आज देर रात रियल मैड्रिड का सामना नेपोली की टीम से होगा। वहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम भी आज रात गैलेस्ट्री के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। मैनयू की टीम ग्रुप ए में नीचे पर मौजूद है और टीम के 4 मैचों में 3 अंक हैं। हालांकि कोच टेन हैंग को भरोसा है कि टीम बाकी बचे 2 मैचों को जीतने में जरूर सफल रहेगी। वहीं बायर्न म्यूनिख की टीम भी आज कोपेनहेगन के खिलाफ उतरेगी। बायर्न की टीम पहले ही अंतिम 16 में पहुंच चुकी है और टीम ग्रुप ए में शीर्ष पर मौजूद है। विनोद चोपड़ा की फिल्म बारहवीं फेल ने बॉक्स ऑफिस पर 50.68 करोड़ रुपए की कमाई की है। यह फिल्म अनुराग पाठक के उपन्यास बारहवीं फेल पर आधारित है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के समापन समारोह में हॉलीवुड अभिनेता माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। माइकल डगलस ने यह पुरस्कार प्राप्त करने के बाद कहा कि सिनेमा उन कुछ माध्यमों में से एक है जो लोगों को एकजुट करने की ताकत रखता है। नेटफ्लिक्स ने सिद्धांत चतुर्वेदी, अनन्या पांडे और आदर्श गौरव अभिनीत आगामी फिल्म खो गए हम कहां की घोषणा की है, जो 26 दिसंबर को स्ट्रीमिंग सेवा पर अपनी शुरुआत करेगी। खो गए हम कहां 3 युवा दोस्तों की कहानी है जो सोशल मीडिया की दुनिया में जी रहे हैं और आकांक्षाओं, रिश्तों और भावनाओं को एक साथ पार करते नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।